शांति हमारा आज का विषय है सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखो प्यारे बाबा कहते हैं कि दुनिया के लोग भगवान की महिमा करते हैं लेकिन स्वयं भगवान अपने बच्चों की महिमा करते हैं तो बच्चों का भाग्य कितना ऊंचा है दुनिया के लोग तो कहते रहते हैं कि हमको भगवान ने रचा है लेकिन ना तो भगवान को जानते हैं और ना रचना को जानते हैं पर आप ब्राह्मण बच्चे नशे से कहते हो कि हम सब शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हमें नया जन्म दिया है हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान डायरेक्ट हमसे मिलते भी हैं भगवान न केवल हमारे पिता हैं लेकिन वो सतगुरु भी हैं और शिक्षक भी हैं तो पिता के रूप में हर बच्चे को बाप की पालना मिल रही है पिता की पालना कुछ भाग्यशाली आत्माओं को कल्प में केवल इसी समय संगम युग में मिलती है ये पालना सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाली है परमात्म प्यार सर्व संबंधों के प्रेम से भरपूर करने वाला है और परमात्म स्नेह देह भान को तो भुला ही देता है लेकिन साथ साथ अनेक स्वार्थी प्रेम भी भुला देता है तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ पालना में हम बच्चे पल रहे हैं और शिक्षक के रूप में परम धाम से स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं और पढ़ाई भी कितनी सहज है केवल दो शब्दों की पढ़ाई है आप और बाप इन दो शब्दों में सृष्टि चक्र ड्रामा जन्मों का इतिहास कर्मों की गाथा सब कुछ आ जाता है दुनिया की पढ़ाई तो माथा भारी कर देती है लेकिन भगवान की पढ़ाई मन बुद्धि को हल्का कर देती है और जब हल्के हो जाते हैं तो ऊपर उठते हैं अर्थात उड़ती कला में चले जाते हैं सतगुरु के रूप में बाबा की पालना कितनी महान है हम बच्चों को सारे प्रश्नों से पार कर दिया क्यों क्या कैसे इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है फॉलो फादर निराकारी स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करो और साकार करने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो अपनी बुद्धि नहीं चलानी केवल कॉपी करनी है दुनिया वाले गुरु तो कभी कभार एकाध वरदान देते हैं लेकिन यहाँ परम सतगुरु शिव बाबा प्रतिदिन वरदान देते हैं हमारी झोली को अलौकिक वरदानों से भर देते हैं बाबा कहते हैं बच्चे बाप टीचर सतगुरु के रूप में आपको जो पालना मिल रही है इसको इमर्ज रखो तो कोई विघ्न आ नहीं सकता विघ्न दूर से ही भाग जाएंगे कभी कभी बाबा देखते हैं कि बच्चे अशरीरी बनने में डबल लाइट बनने में आत्मस्वरूप में स्थित होने में बहुत मेहनत करते हैं युद्ध करते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अपनी प्राप्तियों को मर्ज नहीं करते मर्ज हो जाती हैं फिर कोई आके कहता है याद दिलाता है तो कहते हैं हाँ होना तो ऐसा ही चाहिए तो बाबा कहते हैं बच्चे बस ये छोटी सी बात याद करो कि संगम युग में कौन मिला और उससे क्या क्या मिला ये कभी भी मर्ज ना हो और कई बार कई बच्चे मुख से कहते रहते हैं मैं आत्मा हूँ ये ड्रामा है ये विघन है ये साइड सीन है लेकिन बोलते बोलते भी हिलते रहती हैं तो ऐसे बच्चों को बाबा राय देते हैं कि मधुबन के अचल घर को याद करो वो तो देखा हुआ है ना और देखी हुई चीज को याद करना तो बहुत सहज तो याद करो कि मेरी यादगार अचल घर है हलचल घर नहीं है और जब बाप को याद करते हो तो बाप के साथ साथ बाप से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं उनको भी तो याद करो तो जब प्राप्तियों को याद करोगे तो मेहनत खत्म हो जाएगी बाबा ने कहा आप बच्चे अब जीवन मुक्ति के राज्य में जाने वाले हो, लेकिन जीवन मुक्ति के संस्कार आपको अभी से इमर्ज करने हैं। निरंतर कर्मयोगी निरंतर सहज योगी निरंतर मुक्त आत्मा ये संस्कार आपको अभी से अनुभव में लानी हैं। क्यों अभी से अनुभव में इसलिए लानी है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतजार कर रहा है समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप राज्य अधिकारी आत्माओं की राह देख रहा है प्रकृति विजय की माला हाथ में लिए आप प्रकृति पति आत्माओं का आह्वान कर रही है भक्त आत्माएं याद कर रही हैं कि हमारे पूजनीय कब हम पर प्रसन्न होंगे कब हमें मुक्ति का दान देंगे दुखी आत्माएं आपको पुकार रही हैं कि हे दुख हरता सुख करता आओ हमारे दुख हरो हमारे कष्ट मिटाओ तो बाबा कहते हैं हे रहम दिल हे विश्व कल्याणकारी आत्माओं इन सब के इंतजार को समाप्त करो ये सब आपके लिए रुके हुए हैं आप मुक्त बनो तो भक्तों की प्रकृति की समय की अन्य सब आत्माओं की भी मुक्ति हो तो अब मास्टर मुक्तिदाता बन करके के मुक्ति का दान दो फिर बाबा कहती हैं सारे विश्व में मधुबन निवासी हे अर्जुन है उसके बाद सर्व सेवा केंद्रों के निमित्त टीचर बहने और उसके बाद सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं आप आत्माओं को अगर बाबा ने कभी कुछ लिखने का काम दिया और आप उसको कर लेते हो तो आज्ञा मानने के स्वरूप आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाते हैं लेकिन आप अपने आप को छुड़ा लेते हो आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आपके खाते से एक्स्ट्रा मार्क्स निकल जाते हैं आपको घाटा हो जाता है इसलिए हमेशा याद रखो कि बाप दादा या निमित्त बनी हुई दादियाँ अगर कोई भी डायरेक्शन देती हैं तो उसका पालन करना है बहाना नहीं देना है अलबेलेपन का शो नहीं करना है क्योंकि इन बातों को महत्व देने वाला महान बन जाता है इनको छोटी बात समझ करके इग्नोर नहीं करना है कई बच्चे बड़ी चतुराई से कहते हैं कि बाबा तो सब कुछ जानते ही है ना तो फिर लिख करके देने की आवश्यकता क्यों है बाबा सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो इस कहने में कोई तो राज होगा ना तो अपने आप को छुड़ाओ नहीं छोट चुट छोटी बातों में आज्ञा पालन करने से बहुत मार्क्स जमा होती हैं कई बार बाबा देखते हैं कि कोई पिछले जन्म के संस्कारों के आधार पर पुरुषार्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन अचानक कोई महीन धागा आकर्षण का लगाव का विघन बनकर के पुरुषार्थ की दौड़ के बीच में जाता है वो भी समझता है कि ये धागा विघन बन रहा है लेकिन लेकिन हो जाता है और कोई साधारण सा पुरुषार्थी छोटी छोटी आज्ञा पालन करके एक्स्ट्रा मार्क्स जमा कर लेता है और आगे आ जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाता है तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने का सहज पुरुषार्थ है छोटी चुट छोटी बातों में लापरवाह नहीं बनो बाबा की आज्ञा का पालन करो और अपने मार्क्स जमा करो फिर बाबा ने कहा कि आईवेल में जिन आत्माओं ने यज्ञ की मदद की यज्ञ को सहयोग दिया उनके आठ रुपए भी आठ करोड़ बन जाती है बेगरी पार्ट में बहुत माताओं ने अपने घर के खर्च में से बचा बचा के अपने व्यक्तिगत खर्च में से बचा बचा के सेंटरों की स्थापना करवाई यज्ञ को चलाने में मदद की उन आत्माओं का बहुत पुण्य का खाता जमा है ऐसे बच्चों को बाबा भी सलाम करता है ऐसे बच्चे बहुत ऊंचे पद के अधिकारी बन जाते हैं अंत में जब जरूरत नहीं होगी तब अगर कोई धन साधन देना चाहेगा तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा लेकिन जरूरत के समय देने वालों ने अपने सोने के महल जमा कर लिए अपना अविनाशी भाग्य जमा कर लिए शांति